गाथा सुनाता हूँ उस महान गुरु की। शत्रु जिसके नाम मात्र से कराते थे, ना देवों की तुम बात करो, नारायण उसे सराहते थे। मान मिला पिता भारद्वाज से, संस्कारों से परिपूर्ण थे। अरे तीनों लोक में यश प्राप्त करने वाले मेरे पार्थ के गुरु द्रोण थे, मेरे पार्थ के गुरु द्रोण थे। फिर पुत्र रूप में अश्वत्थामा को पाकर गुरु द्रोण को मिला सम्मान था। पर निर्धनता के उस तांडव सेना गुरु श्रेष्ठ को तनिक भी भान था। अरे क्या जानोगे उनकी पीड़ा को तुम, अभागे पिता वो कैसे कहलाए थे। जब पुत्र के दूध की पीड़ा को भी ना पूरा वो कर पाए थे। फिर सत्तू के घोल को दूध मानकर खुद को अभागा पिता जानकर, चावल के उस सफेद घोल को पुत्र अश्वत्थामा को पिला दिया। और अबोध अश्वत्थामा ने, आज मैंने दूध पिया है, ये सब ऋषि कुमारों को था बता दिया। द्रुपद ने कहा था मित्र, तभी गया था उसके मैं पास। अरे मदद भी उससे ली जाती है, जिससे होती है हमको कुछ आस। फिर अपमान करके द्रुपद ने भरी सभा में मुझको धुतकारा था। अपने पुत्र के समक्ष लज्जित होने वाला पिता में किस्मत का मारा था। प्रतिकार नहीं था मन में मेरे, हरे प्रतिकार नहीं था मन में मेरे, जो होता तो रुद्र तांडव मच जाता। क्रोध से भरे मुझ ब्राह्मण से द्रुपद का अस्तित्व मिट जाता। सौगंध ली मैंने प्रतिशोध की, सक्षम बनकर दिखाऊंगा, जो तोड़ दे घमंड उस द्रुपद का, उस पार्थ को सक्षम बनाऊंगा। फिर धनुर्विद्या में पारंगत होकर पार्थ ने अपने गुरु का सम्मान बढ़ाया था। प्रतिभा को सिद्ध कर सभ्यसाची ने ब्रह्मशीर को पाया था। फिर महाभारत के उस सम्रांगण का दोनों पक्षों में शंखनाद हुआ, तब मैं पांडवों के साथ में ना था। ये सोच के मन में आघात हुआ, अधर्म के साथ खड़ा देखकर तुम मुझ पे लांछन हजार लगाओगे। पर एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, जिस घर का नमक तुम खाते हो, क्या उससे गद्दारी कर पाओगे। कुसूर मेरा था इतना कि मैं पुत्र मोह का मारा था। अभिमन्यु की निर्मम हत्या करने वाला वो नीच कुकर्म हत्यारा था। अरे करुणा मेरी तब पता चली, जब माधव ने हृदय टटोला था। गुरु श्रेष्ठ है गुरु द्रोण, ऐसा माधव ने बोला था। दिव्य ज्ञान था दिव्य तन मेरा, दिव्य शौर्य दिखलाया था। द्रोण कलश्य जन्म लेकर द्रोणाचार्य कहलाया था। द्रोण कलश्य जन्म लेकर गुरु श्रेष्ठ में द्रोणाचार्य कहलाया था।